प्ले स्टोर चेकिंग इन्फो प्रॉब्लम। हेलो गाइस, मेरा नाम है चेतन, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके मोबाइल में भी यहां पर जो है प्ले स्टोर ओपन कर रहे हैं और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में यहां पर जो है चेकिंग इन्फो वाला प्रॉब्लम आ रहा है। आपको यहाँ पर आईडी वगैरह लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, मेरी तरह इस तरीके से आ जाना चाहिए, क्रिएट अकाउंट का आना चाहिए, यहाँ पर ईमेल लॉगिन करने का ऑप्शन आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बंदों के मोबाइल में क्या होता है, कुछ मतलब बार बार यहाँ पर जो है चेकिंग इन्फो करवाता है, बार बार यही होता रहता है, बार बार यहाँ पर यही करना, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, बार बार यही आता है। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ, आपको कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ। वो सेटिंग आप अपने मोबाइल में करेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर 100% सॉल्व हो जाने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते और आपको बताते हैं कि चेकिंग इन्फो वाला प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते और आपको बताते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले तो आपको बैग आ जाना है। बैग आ जाने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्या क्या सेटिंग करनी है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर आपको ओपन नहीं करना है, क्या करना पड़ेगा वो आपको बताता हूँ। प्ले स्टोर के ऊपर आपको लॉन्ग टैप आपको दबा के रखना है, लॉन्ग टैप आपको दबा के रखना है। इस तरीके से दबा के रखेंगे तो आई वाला ऑप्शन मिलेगा या ऐप इन्फो लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ऐप इन्फो मिले या आई वाला ऑप्शन मिला तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको चले जाना है, ऐप इन्फो के ऊपर चले जाना है। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको मिलेगा फॉर स्टॉप, ये वाला ऑप्शन आपके मोबाइल में कहीं पर भी मिल सकता है। यहाँ पर थोड़ा सेटिंग अलग होता है सभी मोबाइल का, तो आपको फॉर स्टॉप कर देना है। फॉर स्टॉप के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आना है, नीचे आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है स्टोरेज वाला, ओके स्टोरेज एंड कैश, ओके आपके मोबाइल में क्या पता अदर नाम से हो लेकिन आपको स्टोरेज वाला ऑप्शन ही आपको देखना है। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में क्लियर कैश कर लेना है ये वाला, इसके बाद में क्लियर डेटा भी कर देना है, क्लियर स्टोरेज मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करके कर लेना है डिलीट। ये सारा कुछ करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, बैक आना है। बैक आ जाने के बाद में अपने डिवाइस को यहाँ पर रिबूट करना है, पावर ऑफ करके पावर ऑन करना है। इतना करने के बाद में यहाँ पर आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। आपका यहाँ पर प्रॉब्लम हो यहाँ पर 100% सॉल्व हो जाएगा, चेकिंग इन्फो वाला प्रॉब्लम है वो यहाँ पर 100% सॉल्व हो जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा, आपका यहाँ पर देर नहीं लगेगी, आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर लॉगिन वगैरह कर पाओगे, तो इस तरीके से जो है चेकिंग इन्फो वाला प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता चल गया है। लेकिन गाइस फिर भी आपका यहाँ पर फिर से बार बार हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पर दिखे गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, एक या दो घंटे के बाद यहाँ पर फिर से ट्राई कीजिए, आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यही मेरे को बताना था। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना। तो चलो अगले वीडियो में मिलते थे गाइस, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।